अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर हूँ पटियाला पंजाब से। और सुबह सुबह का टाइम है, हमने अपना काम शुरू कर दिया, नहरों के ऊपर चढ़ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें कुछ नहरों पे मिलता है कि नहीं मिलता है। और आज ना हम उल्ट साइड चलेंगे नहर की तरफ, मतलब अब यहाँ से हम राजपुरा इस टाइम गंडाखेड़ी से शुरू कर रहे हैं, और यहाँ से देखते 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 हम सरंद सुरंद सारा देखते उधर पटियाले से घूम के आएंगे। और जो आज की जो हमारी एंडिंग होगी, अगर बीच में कहीं डेड बॉडी मिल गई तो वहाँ पर करेंगे, अगर नहीं मिली तो आज की पूरी एंडिंग जो है हम पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके करेंगे। तो चलिए, हम आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते, इस काम को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। और एक ना मुद्दा रखते हैं जो वीडियो के अंत में रखते हैं, जो एक राजनीतिक होता है, सामाजिक होता है, धार्मिक होता है, और आज भी हमारे वीडियो के अंदर एक मुद्दा रहेगा, उसको ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, क्योंकि वो मुद्दा आपके लिए सुनना आज बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मेरा नया चैनल आ गया आशु मलिक के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाके फटाफट उसको फॉलो कर लो, बाकी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो चलिए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। डेड बॉडी नहीं आता, यहाँ लाश लूट नहीं आता। चल पहले, चल चलते चलते, यानी आगे चलते पर जगह देखा, हमने अपने नंबर लिख रखे हैं, लोग फिर भी कॉल नहीं करते, डेड बॉडी आ रही है नहीं आ रही। वेरी गुड, डेड बॉडी। पानी तेज होने के कारण ना क्या होता है, कई बार डेड बॉडी ना यहाँ से फ्लो कर जाती हैं, और ज़्यादा कर डेड बॉडी आपने देखा यहीं पे रुक जाती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, नहर फुल चल रही है। और कुछ ना जो आंधी तूफान से पेड़ आए वो भी अंदर अड़े हुए हैं, इस करके थोड़ा पानी भी यहाँ से साइफन के अड़े के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए सफ़र जारी है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं है। आज हम उल्ट साइड चढ़ रहे हैं, जैसे राजपुरे से हमने एक काम गंडाखेड़ी से शुरू किया था, अब इधर से घूमते 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 वो पटियाले तक जाएंगे। अब यहाँ चले सोंडे, वहाँ से दो नहरें बनती हैं, ये बड़ी भाखड़ा में जैसे लिंक होगी, उधर से घूमते हुए फिर हम पटियाले की तरफ से आएंगे। चलो चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं जल्ले सोंडा हेड है, ये यहाँ से दो नहरें बनती हैं, और यहाँ पे देखते हैं कोई हमें डेड बॉडी मिलती है कि नहीं मिलती है, और उसके बाद हम अपना रूख जो है पटियाले की तरफ जाएंगे, और जो वीडियो का एंड है वो पटियाले के अंदर करेंगे। बाकी हमारा जो सफ़र है वो जारी है, अभी तक हमें कोई डेड बॉडी मिली नहीं है। तो चलिए, पहले मैं आपको इस हेड के बारे में बताता हूँ, क्या ये हेड, किस तरह है, यहाँ लोग कैसे आते हैं, और किस तरह यहाँ अपने पोस्टर लगा के जाते हैं और अपनी गुमशुदगियाँ दर्ज करा के जाते हैं। आ जाओ, तो दोस्तों आप देख सकते हो नरवाना ब्रांच नहर है, जो दिल्ली पैरेलल नहर के लिए पानी जा रहा है। और यहाँ पे देखो, मैं जगह जगह अपने नंबर लिख रखे हैं, दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंबर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं अपने जगह पे, और यहाँ पे इन्वर्टर में एक छोटा सा रजवाया है जो खेतों के लिए पानी दे रहा है, जो खेतों में पानी जाता है, फिर एक छोटा सा रजवाया बना रखा है। आ जाके
दोस्तों दूसरी नहर ये है जो राजस्थान फीडर जिसको कहते हैं भाखड़ा मेन लाइन, ये नहर पटियाले के लिए जाती है। वो जो नहर मैंने आपको बताई थी वो दिल्ली के लिए जा रही है और यहाँ पे आके दो नहरें बन गई। तो लोग ना यहाँ पे आते हैं जो बेलदार बैठते हैं उनके पास अपनी गुमसुदगी दर्ज कराते हैं। तो चलिए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं, आगे चलते हैं। अभी आपको पटियाले तक दिखाएंगे क्या है, बीच में किस तरह है। अब हम पटियाले का सफ़र जारी रखते हैं आगे के लिए, चलिए। तो दोस्तों आज कोई डेड बॉडी तो हमें मिली नहीं है और रूट हमने बहुत लंबा लगा लिया है और आज का वीडियो हम यहाँ पे इसलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई डेड बॉडी नहीं मिली। पर लेकिन जो हम लास्ट में एक मुद्दा रखते हैं, जो राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, सामाजिक होता है, उसको ज़रूर रखेंगे आज भी। तो मेरा जो आज का मुद्दा है सोशल मीडिया के ऊपर है, जो सोशल नेटवर्किंग है, ये जो हमारे को कितना फ़ायदा करती है और कितना नुकसान करती है। सोशल मीडिया भले ही आज हमारे को एक दूसरे से उसने जोड़ दिया हो, हमारे को दूर तक हर देश, हर विदेश से, मतलब हर कंट्री से हमें जोड़ दिया हो, पर जितना ये हमारे को फ़ायदा दे रही है उतना ही हमारा नुकसान भी कर रही है। जितना इसने हमारे को जोड़ा ना, उससे ज़्यादा इसने हमारे अंदर दूरियां पैदा कर दी हैं। क्योंकि ना लोग अब घरों के अंदर मोबाइलों के अंदर लगे रहते हैं, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को टाइम नहीं देते, ज़्यादातर लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर लगे रहते हैं। उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि अपने बच्चों की तरफ थोड़ी गौर कर ले, ध्यान दे ले कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, या बच्चों को भी इतनी परवाह नहीं है कि वो थोड़ा स्कूल का काम कर लें या कोई इस तरह का कोई काम सीख ले जो पारिवारिक होता है, जो आने वाले टाइम के अंदर उनको फ़ायदा करेगा। तो बच्चे भी अब नेट के ऊपर इस तरह लगे, कोई पबजी के अंदर लग रहा है, कोई थ्री फायर के अंदर लग रहा है, बहुत से ऐसे सिस्टम आ गए, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई लाइकी, मतलब बहुत से ऐसे ऐप आ गए जो लगे पड़े हैं। और इसी बीच में हमारे से रिश्ते नाते कितने दूर चले गए, कितने छूट गए, ये बातें आपको समझ नहीं आएंगे कि सोशल नेटवर्किंग ने जितना हमारा फ़ायदा कर दिया इस नेट ने, इंटरनेट ने आने के बाद, उतना ही हमारा इसने नुकसान भी कर दिया। और कितना बड़ा नुकसान करा इस चीज़ की आपको समझ बहुत लेट आएगी, जब आपको पता लगेगा कि आपने क्या खोया है। आज सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आप उनको अपने परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते। ऐसी ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है आपके सामने कि आप अपनी बेटी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में उनको देख नहीं सकते, या आपके बच्चे आपके साथ नहीं देख सकते। और लगे पड़े हैं लोग मोबाइलों के अंदर उन चीज़ों को देखने, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर लगे पड़े देखने के लिए, क्योंकि नेट सस्ता हो गया, रिचार्ज सस्ते हो गए, लोग रिचार्ज करवा लेते हैं, अच्छे अच्छे महीने का 84-84 दिन के रिचार्ज करवाते हैं, उसके बाद लगे पड़े हैं। तो आज उसी के ऊपर हमने ये बातें करनी है, उसी के ऊपर हमने सारा सिस्टम बिठा रखा था, आज मैंने दिमाग के अंदर सोच रखा था। तो मैं ये जो सिस्टम एक शेर से शुरू करूँगा। कपड़े उतर गए माँ बाप के अपनी बेटियों के कपड़े बनाने में, कपड़े उतर गए माँ बाप के अपनी बेटियों के कपड़े बनाने में, और उस पापा की परी ने मालूम है क्या क्या कपड़े उतार दिए अपने अपने फॉलोवर बढ़ाने में। तो ये जो बातें हैं ना समाज के अंदर, ये आज इस हद तक गिर चुकी हैं। आपने देखा कुछ वीडियो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे इशारे करते हैं, ऐसी जगहों के इशारे करते हैं जहाँ पे हम उनको देखना भी पसंद ना करें। मैं हर उस माँ बहन, उस बेटी या उस बहू या उस औरत के लिए नहीं बोल रहा जो टिकटॉक पे वीडियो बना रही है, लाइक की पे हर जगह वीडियो बना रही है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, बनाना चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर सारा सिस्टम है। पर मैं कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके बारे में ये बातें बोल रहा हूँ,
वो ऐसे गलत गलत इशारे करते हैं, ऐसी ऐसी गलत गलत जगह की चीज़ें दिखा रहे हैं जो समाज के अंदर जहर और नफ़रत घोलने का काम कर रही हैं और अश्लीलता बढ़ा रही हैं। और इनके जो कपड़े हैं दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं। मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि कपड़े क्या पहनने चाहिए क्या नहीं पहनने चाहिए, हर किसी की अपनी पसंद है, अपनी मर्जी है। समाज के अंदर आज़ादी, हम आज़ाद देश आज़ाद भारत के अंदर रहते हैं, हमें आज़ादी, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, हमारे खाने में पीने में पहनने में कोई पाबंदी नहीं है। पर आप ये देखो कि जिस चीज़ को आप बना के वीडियो टिकटॉक या इस चीज़ों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहे हो, उसको पूरा समाज देखता है, बहुआँ भी देखती हैं, बेटियाँ भी देखती हैं, माँ भी देखती हैं, पिता दादा दादी सभी लोग देखते हैं, समाज का हर वो वर्ग देखता है, जो गरीब हो अमीर हो या किसी तरह से भी वो जुड़ा हुआ है। पर इस चीज़ का ख्याल रखें, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस तरह के वीडियो ना डालें ताकि जिससे समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाए, एक गलत संदेश जाए। मानता हूँ मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर लेकिन आप ये समझो आने वाली जनरेशन को आप क्या दे रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या मैसेज डाल रहे हो उस जनरेशन के लिए जो अभी अभी तैयार हुई, अभी अभी खड़ी हुई है, जिसको ये भी नहीं पता कि ये चीज़ें गलत हैं सही हैं, समाज किस तरह से चल रहा है। तो इस चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखें, इन चीज़ों को उस तरीके से बनाएं ताकि समाज उसको अच्छी तरह देखे। बहुत चीज़ें लोग दिखा रहे हैं, देखो करोड़ों फॉलोवर हैं, कई चीज़ें अपने घर के बारे में बताते हैं, खेतों के बारे में बताते हैं, अपने काम काज अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, देख रहे हैं उनको, आशु मल्लिक की डेड बॉडियाँ दिखा रहे हैं, देख रही दुनिया देख रही है उसको। तो जब सोशल मीडिया पर आपको लोग देखने लग जाए ना, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज भेजो ताकि समाज के अंदर उसका अच्छा सिस्टम बने और अच्छा ही मैसेज समाज के अंदर जाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ में मिलूंगा। जय हिंद। नई और पुरानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। एक लड़का नौजवान जो रात के टाइम तकरीबन 3 बजे नहर के अंदर छलांग मार के अपनी साइकिल को खड़ा करते